आप सभी लोगों को पीयू किचन में स्वागत है। तो आज हम बहुत बता रहे हैं आप लोग को एक न्यू रेसिपी की, आप लोग शकरकंदी झटपट से 5 मिनट में उपवास में या ऐसे आपको खाने का मन करे तो आप मिट्टी के चूल्हे का टेस्ट कैसे खाएं। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हमारी रेसिपी आप देख रहे हैं तो पूरे वीडियो देखिए। बहुत आसान तरीका हम आपको आज बताने वाले हैं कि एकदम चूल्हे की तरह एकदम खसखस भुजा कर जो है 5 मिनट में आपका शकरकंदा जो है तैयार हो जाएगा। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम शकरकंदी को भुनने के लिए धो लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए हैं पानी एक बड़े बाउल में। तो इसको धो लेने का है, क्या है कि बाज़ार में मार्केट में सारा मिट्टी लगी हुई मिलती है, तो इसको है हम अच्छे से धो लेंगे, साफ कर लेंगे। इसमें का जो मिट्टी है अच्छे से साफ हो जाएगा। जब भी आपको भुनना होगा तो धोकर ही भुनिए। हम बहुत आपको आज बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं कि बिना आगे का और बिना चूल्हा का आपने एकदम सुनहरा गैस पर भून करे शकरकंदी। आज तक ले आपको कोई नहीं बताया होगा ये ट्रिक, न इसका छिलका भी न जलेगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्दी से जो है आसान से ये भूनकर तैयार भी हो जाएगा। तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर लाइक करने के लिए आप लोग भूलना मत। तो इसको जो है हमने सब शकरकंदी को अच्छे से धो लिया। देखिए यहाँ पर हम अच्छे से सबको हम पोंछ लेंगे, इसमें का पानी जो है सूख जाएगा। सुखा लेने का है कपड़ा से पोंछ कर। के लिए हमारी शकरकंदी जो है रेडी है। तो इसको जो है हमने थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। तो आप ऐसे ब्रश से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ब्रश से मत करिए, आपका हाथ जो है और रेडी एकदम तैयार है अच्छे से। तो हमने देखिए देसी घी से जो है इसको हम ग्रीस करेंगे। आप यहाँ पर ऑयल भी ले सकते हैं इसको ग्रीस करने के लिए। तो हम उपवास के लिए हम आपको बता रहे हैं ट्रिक कि आप कैसे उपवास में शकरकंदी को भून कर आप बहुत आसान से 5-6 मिनट में आपने खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। आज तक आपने कभी भी ऐसी रेसिपी आपको कोई नहीं बताया होगा भूनने के लिए। हम अपना सब शकरकंदी को घी से हम ग्रीसिंग कर दिए हैं। हम ब्रश से इसलिए नहीं किए हैं कि घी हमारा ज़्यादा लगेगा, हाथ से हम करेंगे में तो थोड़े घी में हमारा जो है सब हो जाएगा। तो हम आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। अगर आपको रोज़ाना खाना है ऐसे ही शकरकंदी तो आपने ऑयल से भी ग्रीसिंग कर कर आप भून सकते हैं। तो हमने थोड़ा उपवास के लिए हम बना रहे हैं, इसके लिए हम इन्हें घी से किए हैं। तो चलिए अब हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑयल पेपर। देखिए ये बहुत आसान से जो है मार्केट में इजली मिल जाता है। तो इसको जो है एक एक हम लेंगे। तो जो है हमने दूसरा भी इसी तरह जो है हम अच्छे से यहाँ पर कवर करेंगे। दबाते हुए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। देखिए थोड़ा भी यहाँ पर खुला नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर जो है देखिए ये मुड़ गया है, हम इसको जो है सही से अभी कर देते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पर सब थोड़ा भी यहाँ पर खुला नहीं है। अगर खुल भी जाए तो हम सभी शकरकंदी को भूनने के लिए हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं ऑयल पेपर से। तो चलिए अब हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम सभी शकरकंदी को भूनने के लिए हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं ऑयल पेपर से। तो चलिए अब हम यहाँ पर लेते हैं प्रेशर कुकर। पहले हमने यहाँ पर लिए हैं शकरकंदी को भूनने के लिए नमक। ये नमक हम यूज किए हुए हैं। हम एक बार आपको अगर पहली बार शकरकंदी के लिए भूनने के लिए आप नमक ले रहे हैं तो वो नमक आप फेंकना मत, उठा कर रख देना। फिर आपको जो भी बनाना होगा नमक का रेसिपी तो आप उससे बना सकते हैं। तो देखिए हम बनाते हैं, फिर इस नमक को उठा कर रख देते हैं। फिर कोई रेसिपी बनानी होती है नमक से तो फिर हम उसी को बार बार यूज करते हैं। जो है हमने नमक को ले लेते हैं। अगर आपका नमक कम है तो आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं अगर रखे हैं बनाए हुए नमक। तो एक एक कर कर जो है हम शकरकंदी को यहाँ पर अच्छे से हम यहाँ पर रख लेंगे। एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना है, जितना हमारा है तो आप यहाँ पर रख लेने का। तो देखिए हम यहाँ पर बिना पानी का आपको बता रहे हैं भुनने के लिए। इतनी सुनहरा लगता है कि जैसे आप चूल्हे पर भुनाया जाता है ना सेम उसे आपका ये जो है नमक से शकरकंदी भुना जाएगा। वो भी 5 से 6 मिनट आपको लगेगा, उतना ही में आपका जो है शकरकंदी भुना कर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको कोई नहीं बताया होगा, हम बता रहे हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। अगर
हल्दी होते हैं उसको भूनने के लिए हमने गैस पर चढ़ा दिए हैं कुकर में पैक कर कर। तो हम पूरे एक मिनट तक जो है गैस का फ्लेम एकदम हाई रखेंगे। जब एक मिनट हमारा हो जाएगा तो गैस का फ्लेम जो है हम जो है एक मिनट हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम को जो है हाई रखे थे एक मिनट के लिए, तो अब हम एकदम इसका जो है आँच एकदम कम कर देंगे। अब 5 से 6 मिनट तक हमें इसको एकदम कवर करते हुए हमें यहाँ पर देख सकते हैं हमने गैस को अब बंद कर दिए हैं। तो इसमें सीटियाँ उटियाँ कोई लगानी नहीं है। तो देखिए इसको हम खोलते हैं, इसको हम चेक करते हैं देखिए हुआ है कि नहीं। अभी देखिए बहुत काफ़ी गर्म है तो ये हो चुका है। तो यहाँ पर आपको जलने का डर है तो थोड़ा आप आराम से छुएगा या चाकू या छुरी से मदद से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए जो है 10 मिनट में हो गया। अभी मैं बीच में चेक किया था तो नहीं हुआ था, तो फिर मैंने 4 मिनट के लिए इसको हमने कवर कर दिया। देखिए जो है 10 मिनट में पूरे परफेक्ट एकदम 10 मिनट लगा है इसको पकने में भूनने में। तो देखिए जो है अच्छे से हो गया। तो इसको थोड़ा हम ठंडा होने दें तब हम आपको अभी दिखाते हैं। ठंडा हो गया तो हम एक एक कर जो है हम यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिए हमने सब यहाँ पर निकाल लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी जो है ऑयल पेपर ही जरा नहीं है। उठाते हैं ऑयल पेपर से इसको, देखिए अच्छे से जो है हमने झाड़ कर हम ऑयल पेपर को हम खोलेंगे क्या है कि इसमें जो है थोड़ा नमक इसमें लगा हुआ है। तो आपने देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है नमक भी नहीं लगा है, आपको देखने से भी पता चला। तो जो है बहुत आसान है भुनने का। तो देखिए एकदम गांव की तरह भुनाया है ना, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर सब लोग गांव में भुनते हैं। तो आप अगर मिट्टी के चूल्हे का सगर करनी अगर भून कर खाना है तो आप इस तरीके से आपने बहुत ईजिली है 10 मिनट में जो है एकदम आपका भुना कर तैयार हो जाएगा। तो देखिए जो है इसी तरह हम सब अपना ऑयल पेपर से हम इसको अलग कर लेते हैं। तो आपने देख सकते हैं भुनने का जो तरीका है बहुत आसान है। इस तरीके से आपने शकरकंदी को आप भून कर खा सकते हैं, चाहे उबास हो चाहे ऐसे भी आपको खाना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सब कितना एकदम परफेक्ट यहाँ पर ऑयल पेपर से भी निकल रहा है। तो अगर आपको उबास के लिए भूनना होगा तो आप नमक में अच्छे से आपको यहाँ पर ऑयल पेपर से जो है कवर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जला भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं जला है। तो देखिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। तो देखिए सब हमारा जो इतना नमक है ऑयल पेपर में लगा था तो हमने अच्छे से हाथों से झाड़ लिए हैं। हम आपको इसका छिलका हटाकर दिखाते हैं। देखिए एक भी थोड़ा भी यहाँ पर जो है जला नहीं है। तो इसका जो छिलका है बहुत आसानी से जो है ये निकल जाएगा। जैसे आप मिट्टी के चूल्हे पर भूनते हैं ना सेम वैसे ही आपका इसका टेस्ट जो है आएगा खाने में। तो आप इस तरीके से ज़रूर एक बार आप ट्राई करना और अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग शेयर करना। यहाँ पर छिले हैं देखिए जो है एकदम थोड़ा भी जला नहीं है, एकदम गांव की तरह चूल्हे की तरह एकदम भून कर तैयार है गैस पर। तो देखिए इसको हम आपको अभी कटिंग कर दिखाते हैं। तो देखिए आप कितना आसान है, जो कटिंग भी हो गया एकदम गांव के चूल्हे की तरह टेस्ट आएगा। जैसे मिट्टी में आप सभी लोग चूल्हे पर भेजते हैं ना उसे ही एकदम आपका टेस्ट आएगा। तो हमारी वीडियो आपको आज की कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।